हेलो दोस्तों, एसीआई में आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ टेंस के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इसके बारे में, यहाँ पे जब तक जहाँ तक पढ़ा है कि प्रेजेंट, प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस और कंटीन्यूअस टेंस, यस टेंस के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पीछे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले इसका पहचान देखते हैं, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहता है, लगा रहता है उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट परफेक्ट टेंस के रूप में रूप में पहचाना जाता है। सबसे पहले ये जब रहा है, रही है, लास्ट में लगा रहा, तो हम समझ जाएंगे जो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का ये है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला है तो ट्रांसलेशन जो बनाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसका मतलब सब्जेक्ट होता है, इज आर एम, से कोई एक लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका सेकंड वाला ट्रांसलेशन है, सब्जेक्ट प्लस इज आर या एम में से कोई एक प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड वाला इज आर एम को स्टार्टिंग में क्वेश्चन मार्क वाला ये है, सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब वह लगाएंगे प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हुआ है लगा के प्लस इच आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया फॉर्मूला। अब इसके साथ इज लगेगा किसके, आर लगेगा किसके साथ, एम लगेगा, उसके बारे में देखेंगे। आप लोग इसको लिख लीजिए पॉज करके। हम देखते हैं इसका, इसके साथ इस लगता है, इस लगेगा किसके साथ, ही सी इट, ये वो नाम रहेगा, वो नाम जैसे राम है, सीता है, ये वो नाम किसी का, इस लगेगा इस साथ, साथ लगेगा इस। उसके बाद आर किसके साथ लगेगा, यू दे वी और दो और ज्यादा नाम, टू नेम और मोर, दो या दो से जैसे राम है, मोहन है, मोहन श्याम, घनश्याम, ये सब आ गया, दो से ज्यादा और दो, उसके साथ लगेगा आर मोर नेम, ये साथ क्या लगेगा, आ लगेगा। और एम जो है सिर्फ आई के साथ, ठीक है। अब देखेंगे
एग्जांपल लेके, रमेश बाजार जा रहा है, हम सबसे पहले देखेंगे ये किस टेंस में है, तो जा रहा है, रहा है ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का है। तो लिखेंगे रमेश, सबसे पहले नाम है रमेश, एक नाम के साथ क्या लगता है इज, जाना का होता है वो, वर्ब का इसमें चौथा रूप लगता है क्योंकि स्ट्रक्चर में हम देखे थे फॉर्मूला में, इसलिए गोइंग के बाद टू लगता है मार्केट। और दूसरा वाला बनाएंगे रमेश इज नॉट गोइंग टू मार्केट, इसमें हिंदी सबका अलग अलग होता है लेकिन ये एक से छह बनाने का रूप सीख जाएंगे अच्छा होगा। इसका मतलब होता है रमेश बाजार नहीं जा रहा है। उसके बाद इज रमेश गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, इज रमेश नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या रमेश बाजार नहीं जा रहा है, व्हाई, क्यों, व्हाई इज रमेश गोइंग टू मार्केट, रमेश क्यों बाजार जा रहा है। अब व्हाई इज रमेश नॉट गोइंग टू मार्केट, इसका मतलब हो गया रमेश क्यों नहीं बाजार जा रहा है। ये एक से छह बन गया। आगे वाले वीडियो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में देखेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।